फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो गर्भ में बच्चा होता है वो स्वस्थ है या नहीं, उसको हम फीटल मूवमेंट, बच्चे के मूवमेंट से कैसे पता लगा सकते हैं और किस तरह हमें उसे कैलकुलेट करना चाहिए, और अगर बच्चा मूव नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलूंगी अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है अगर आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं या आप प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए वीडियो में हम बात करेंगे फीटल मूवमेंट की। जब गर्भ के अंदर बच्चा मूव नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम मदर को टेंशन लेनी चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली आपको टेंशन लेनी चाहिए। अब इसका रीजन क्यों है, क्योंकि जनरली जब बच्चे मूव करते हैं गर्भ के अंदर तो वो बताता है कि बच्चा स्वस्थ है, और वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू के टाइम में वो मूवमेंट हमें पता नहीं चलता है, वो मूवमेंट जनरली फीमेल्स को 16 वीक के बाद स्टार्ट होता है फील होना, और कई बार उसको समझने में अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो और भी टाइम लग जाता है। आपको शुरू में नहीं समझ में आता है कि हाँ एक्चुअल में वो मूवमेंट हो रहा है या नहीं, तो उसको समझने में कभी कभी 18th वीक और 20th वीक, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 24-25 हफ्ते तक भी आपको समझ में नहीं आता है कि बच्चा मूव कर रहा है, और तब से आपको अप्रिशिएबल होता है, आप अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ पेट में कुछ मूवमेंट हो रही है, बच्चा मूव कर रहा है। अब ये तो बात हो गई कि मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, जिसको हम क्विकनिंग भी बोलते हैं। उसके अलावा जो लास्ट का टाइम आता है जब डिलीवरी पास आ जाती है, स्पेशली 32 वीक्स के बाद बोला जाता है कि बच्चे की मूवमेंट घट जाती है। तो देखिए, बच्चे की मूवमेंट नहीं घटती है, बच्चे के मूव करने के लिए स्पेस घट गया है, क्योंकि जो बच्चा है उसका साइज बड़ा हो गया है और माँ के गर्भ में अब उतना स्पेस नहीं है कि वो बहुत अच्छे से मूव कर सके। तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि उतना मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये उस तरह की बात है। पर बच्चे का मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे बच्चा अंदर गर्भ के अंदर किसी प्रॉब्लम में नहीं है, डिस्ट्रेस में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, बेसिकली ये आप पता लगा सकते हैं। तो आपको अपने फीटल मूवमेंट को काउंट करना होता है। अब उसको काउंट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? उसको काउंट करने का सबसे बेस्ट टाइम है कि जब आपने खाना खाया हो उसके आधा घंटे के बाद। याद रखिए, पूरा दिन में हमें फीटल मूवमेंट्स काउंट करने होते हैं, बट मदर्स का इतनी बिजी होती हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने काम में, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको बाहर का भी काम है, और अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी अपना 10 काम होते हैं। तो हर टाइम अप्रिशिएट करना और हर टाइम ये ध्यान रखना कि हाँ गर्भ में मूवमेंट हुआ या नहीं, पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत ईजी सा तरीका बता रही हूँ कि आपने जब खाना खाया है उसके आधा घंटे बाद से आपको फीटल मूवमेंट काउंट करना है, और कितनी देर तक? 1 घंटे के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आधा घंटे में आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो अच्छा हो जाएगा, वो ब्लड में ग्लूकोज जाएगा और वो उससे बच्चे तक पहुंचेगा, तो बच्चे को भी खाना मिलेगा तो वो मूव करेगा, बेसिकली एनर्जी मिलेगी, यही उसका फैक्टर है। तो अगले आधा घंटे के बाद 1 घंटे आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स मतलब आप लेट सकती हैं, और लेटें अपनी लेफ्ट साइड करवट लेके। अगर आप बाहर हैं, लेट नहीं पा रही हैं, तो आप बिल्कुल उस टाइम शांति से बैठ जाइए। अपना पूरा फोकस आपका अपने बच्चे के ऊपर होना चाहिए कि वो मूव कर रहा है या नहीं, और अगर आप घर में हैं तो उस टाइम पे लेट जाइए और लेफ्ट करवट लेटिए। आप लेफ्ट साइड को करवट लीजिए और लेट जाइए, उससे बच्चे के पास और अच्छे से सर्कुलेशन पहुंचेगा। उसके बाद आपको अब क्या देखना है कि इस 1 घंटे के अंदर 4 to 5 मूवमेंट जरूर होने चाहिए आपके बच्चे के। इतना मूवमेंट अगर बच्चा कर रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर बच्चा इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है इस 1 घंटे में, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कोई ऐसी चीज़ खानी है जो आपको पसंद हो, कोई मीठी चीज़। उससे क्या होगा कि जो शुगर लेवल है वो थोड़ा और अच्छा बढ़ेगा, और बच्चे के पास जो फूड जाएगा वो और अच्छी तरह जाएगा, उसमें एनर्जी है वो और बच्चे को एनर्जी मिलेगी। उसके अलावा आप अपने जो पेट को सहला सकते हैं, उससे क्या होगा कि अंदर थोड़ी वाइब्रेशन जाएगी, थोड़ा मूवमेंट होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का जो बच्चे के चारों तरफ का फ्लूइड है वो मूव करेगा, और उससे बच्चा भी थोड़ा
मूव करेगा। कई बार हो सकता है कि उस टाइम पर बच्चा सो रहा था या इसलिए मूव नहीं किया, या हो सकता है कि जस्ट नींद में गया, क्योंकि बच्चे सोते भी हैं अंदर, ऐसा नहीं है हर टाइम पर जगे ही रहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो आपको अपनी टमी को हल्का सा सहलाना है, उससे बच्चा थोड़ा बहुत करवट लेगा, मूव करेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। उसके अलावा आप अच्छा म्यूजिक सुन सकती हैं, क्योंकि जिस हफ्ते से आपको बच्चे की अच्छे से महसूस होना शुरू होता है कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है, तब तक बच्चा सुन भी सकता है माँ को, तो आप अच्छा कोई म्यूजिक सकती हैं, बच्चे से बात कर सकती हैं, उससे भी क्या होगा आपको फील होगा कि अब बच्चा मूव कर रहा है या नहीं। और अगर उस टाइम पर भी बच्चा मूव नहीं किया है तो आपको और थोड़ा ध्यान देना है। आप थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा वॉक कीजिए 5-10 मिनट्स, उसके बाद रिलैक्स होकर फिर बैठिए, फिर देखिए बच्चा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। और अब क्योंकि अगला घंटा है, मतलब आधा घंटे आपने शुरू में टाइम दिया था, उसके बाद 1 घंटे आपने मूवमेंट चेक किया, उसके 1 घंटे बाद आपने ये सब चीज़ें करी और चेक किया कि अब मूवमेंट कर रहा है नहीं, उसमें भी अगर बच्चा 4 से 5 मूवमेंट नहीं करता है तो ये डेफिनेटली कंसर्न है। आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि बच्चे ने अभी मूव नहीं किया है, क्योंकि जनरली जो रूल है वो ये है कि बच्चे हर 2 से 3 घंटे में मूव करते हैं, और इवन ये भी बोला गया है कि बच्चे मिनिमम 10 बार तो मूव करते ही हैं, 8 से 10 बार बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए उतने टाइम में, पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आइडियल रूल मैंने आपको बता दिया है, आपको सिंपल सा काम करना है, आपको जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करती हैं, जब आप लंच करती हैं और जब आप डिनर करती हैं, उसके आधा घंटे के बाद 1 घंटे के लिए सिर्फ सब कुछ भूल के अपने बच्चे पे ध्यान देना है, उसके मूवमेंट पे ध्यान देना है। आपको ये चीज पूरी तरह से देखनी है कि अब बच्चा मिनिमम 4 to 5 मूव करना चाहिए, और अगर उस टाइम बच्चा मूव नहीं कर रहा है तो कुछ मीठा खाइए, कुछ अच्छा खाइए, थोड़ा टहलिए, पेट को सहलाइए, म्यूजिक सुनिए, और अब देखिए कि बच्चा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तब भी अगर बच्चा मूव नहीं करता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल कीजिए, क्योंकि बच्चा हो सकता है डिस्ट्रेस में हो, कोई और प्रॉब्लम अंदर बच्चे को हो गई हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो कभी भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको अपना डॉक्टर इसी तरह चुनना चाहिए जिसको आप इमीडिएटली फ़ोन कर सकें। तो कभी भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो उसको इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से बात करके अपने डाउट को दूर करें। और एक और चीज़ याद रखिए कि जिस टाइम पर आप ये मूवमेंट को कैलकुलेट कर रही हैं, गिन रही हैं, उस टाइम पर स्ट्रेस में मत रहिए, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपके हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशन लाता है, और वो जो हॉर्मोन्स हैं वही बच्चे तक पहुँच रहे हैं। तो अगर बच्चा भी स्ट्रेस में होगा तो जैसे हमें जब टेंशन होती है तो हम सुस्त हो जाते हैं, तो बच्चा भी सुस्त हो जाएगा और उस टाइम मूवमेंट नहीं होगा। तो याद रखिए कि मूवमेंट चेक करने के लिए आप बिल्कुल हैप्पी रहिए, उस टाइम पे मूवमेंट अच्छा होगा बच्चे का। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बात मैं बताना चाहूंगी, इवन मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि कोविड पीक पर था, सेकेंड वेव पीक पर थी, तो लास्ट के जो वीक्स थे उस टाइम पे मेरी खुद जो डॉक्टर थी जिनको डिलीवरी करनी थी वो कोविड पॉजिटिव आ गई थी, तो उस वजह से मैं उनसे मिलने नहीं जा पाई। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला था कि उपासना डोंट टेक टेंशन, जस्ट बच्चे का मूवमेंट ही आप नोटिस करो। एंड बीइंग ए डॉक्टर मुझे पता था कि ये मूवमेंट इस तरह से नोटिस करना है, मैंने वैसे ही नोटिस किया आराम से, मैंने कोई टेंशन नहीं ली। जब मुझे लगता था कि वामू कम मूव कर रही है, मैं एक खरबूजा खाती थी और मस्त वामू का मूव करती थी। और लास्ट के टाइम पर 32 वीक के बाद डायरेक्टली मैं उनसे जब मिली हूँ तो मेरी डिलीवरी थी, उसके बीच में मैं उनसे मिल ही नहीं पाई हूँ, बट जस्ट वामिका के मूवमेंट्स को नोटिस करके मैं सेटिस्फाई थी, क्योंकि मैं उसका एनोमली स्कैन पहले ही करा चुकी थी 20th वीक वाला, तो मुझे पता था कि वो परफेक्टली फाइन है। और एंड के टाइम पर मैं उसका मूवमेंट देख के समझ आती थी कि हाँ बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो आई होप ये जो वीडियो है मैंने उसमें आपको बता दिया है फीटल काउंट कैसे काउंट करना है और उसका कितना सिग्निफिकेंस है, और अगर कम आ रहा है तो आपको क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपका फीमेल हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या बेबी केयर रिलेटेड है, प्रेगनेंसी केयर है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप वो प्लेलिस्ट से उस टॉपिक के ऊपर की सारी वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।